हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रग डैडी। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट में मिलने वाली दवाइयां किस तरीके से घुट घुट कर दम तोड़ देती है। दवाइयों की एक्सपायरी डेट का सही मायने में मतलब क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले बिल्कुल टाइम पे। आम आदमी की जबान में किसी भी चीज का एक्सपायर हो जाना यानी कि उस चीज का मर जाना कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये आम आदमी वाला लॉजिक अगर दवाइयों को एप्लीकेबल किया जाए तो दवाइयां भी उन पर मेंशन की गई एक्सपायरी डेट के बाद मर जाती है। कुछ लोग इसे ऐसे भी समझते हैं कि उसे खाने वाला ही मर जाता है। कोई भी दवा अगर डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जाती है तो उसे यूं ही दाल सब्जी या पाव भाजी की तरह बनाया नहीं जाता। हर एक दवाई को ढेर सारे लैब टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें से एक सबसे खास टेस्ट होती है जिसका नाम है एक्सेलरेटेड डिग्रेडेशन टेस्ट। इस टेस्ट में दवा को नॉर्मल एम्बियंस में ना रख के सिंथेटिकली बनाए हुए एबनॉर्मल एनवायरमेंट में रखा जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, इन फैक्टर्स को ग्रेजुअली एक्सट्रीम तक बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है और इन सब चीजों का उस दवाई पर क्या असर होता है इसका डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर इस डेटा पर कई सारे टेक्निकल कैलकुलेशंस करके उस ड्रग की लाइफ फिक्स की जाती है जिसे बोलते हैं शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब है दवाई बनने से लेके कुछ समय तक के लिए। उस दवाई का इफेक्टिवनेस जिसे पोटेंसी भी कहते हैं, ये पोटेंसी एज पर द स्टैंडर्ड मेंटेन रहती है और ये शेल्फ लाइफ जिस महीने खत्म हो रहा हो उस महीने को उस दवाई की एक्सपायरी डेट मानी जाती है। यहाँ पर लोग कॉमनली ये समझ लेते हैं कि एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बाद उस दवाई को खाने से या तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या फिर खाने वाला मर जाता है। आपको बता दूं, एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बाद कोई भी दवाई उन पर मेंशन की हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक रखी गई हो वो दवाई तुरंत खराब नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है तो उसकी एफिकेसी जिसे पोटेंसी भी बोलते हैं वो 10% से कम हो जाती है। अगर 10% कम बोले तो भी 90% दवा इफेक्टिव रहती है। फिर उसके अगले साल और 10% से घट कर ये 80% हो जाती है। ऐसे करते करते टाइम के साथ उसकी एफिकेसी स्लोली स्लोली ग्रेजुअली कम होती जाती है। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि दवाइयां गुट गुट कर धीरे धीरे दम तोड़ देती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इतना सारा टाइम गुजरने के बाद भी उस दवाई के अंदर किसी भी तरह का पॉइजन अपने आप में ही नहीं बनता और यह सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। 80 के दशक में यूएस मिलिट्री और वहां की फेडरल गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस वक्त वहां की गवर्नमेंट और मिलिट्रीज इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने पास दवाइयों का स्टॉक इकट्ठा करके रखती थी। फिर कुछ समय बाद इन मेडिसिन को एक्सपायर डिक्लेयर करके डिस्पोज किया जाता था और इसके वजह से कई सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज और वहां की गवर्नमेंट को काफी सारा लॉस बेयर करना पड़ता था। इस नोटिसेबल नुकसान को वक्त रहते ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी हुआ था। इसलिए 1986 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की, शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 122 से भी ज्यादा टाइप के मेडिसिंस के 3000 से भी ज्यादा बैचेस के सैंपल्स, इन सैंपल्स की शेल्फ लाइफ को एग्जामिन किया गया और तकरीबन 5-5.5 सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि 88% से भी ज्यादा दवाइयां एकदम सेफ टू यूज कंडीशन में थी। और कमाल की बात यह थी कि यह सिर्फ सेफ ही नहीं थी बल्कि इफेक्टिव भी थी। अब इस केस स्टडी से हमें क्या सीख लेनी है यह पॉइंट है। माय कंसर्न इज कि कई सारे कस्टमर्स अपने फार्मासिस्ट के पास एकदम फ्रेश मेडिसिन की डिमांड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेश, जैसे कि भिंडी की सब्जी हो। एक बात फैक्ट है कि आप अगर पैसे देकर मेडिसिन खरीद रहे हो तो 100% इफेक्टिव दवा खरीदना यह आपका हक होता है। लेकिन अगर फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचा जाए तो सारी दवाइयों का स्टॉक जो उसकी दुकान में होती है उन्हें डे टू डे बेसिस पर अपग्रेड करना किसी सब्जी वाले या फल वाले की तरह, यह कोई खाने की बात नहीं है। ये इम्पॉसिबल सी बात है। मेरा आप सबसे एक कहना है कि जब भी आप किसी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन अगर किसी फार्मासिस्ट से खरीद रहे हो तो उस प्रिस्क्राइब मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने एक लिमिटेड दिनों का कोर्स लिखा हुआ होता है, यानी कि 5-10 दिनों बाद उन दवाइयों का कोर्स खत्म होना होता है। तो भले ही वो दवाई अगर अगले महीने एक्सपायर होने वाली हो तो भी टेक्निकली आप उस दवाई को शेल्फ लाइफ के अंदर ही खरीद रहे होते हैं और खरीदने के बाद तुरंत 5-10 जैसे भी आपका कोर्स होता है आप खाके खत्म करने वाले होते हैं। इसका यह मतलब है कि हर हाल में आपको 100% इफेक्टिविटी मिलने ही वाली है। इन शॉर्ट, दवाई चाहे फ्रेश हो या फिर अगले महीने एक्सपायर होने वाली हो, बिन दिक्कत आप उस दवाई को खरीद कर खाके खत्म कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। और अगर दवाई खरीदते वक्त ही आपने नोटिस किया कि एक्सपायर हो चुकी है तो आप हक से आपके फार्मासिस्ट को बता सकते हैं कि भाई ये दवाई एक्सपायर हो चुकी है, आप मुझे रिप्लेस दूसरा पीस दो, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ कंज्यूमर आप उस दवाई को पैसे देकर खरीद रहे हैं। एक और बात जो जनरली सभी लोग निग्लेक्ट करते हैं, सभी मेडिसिन पर उनकी स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है, जैसे कि स्टोर इन अ कूल डार्क प्लेस की
कीप अवे फ्रॉम सनलाइट या फिर डू नॉट फ्रीज वगैरह वगैरह, अनजाने में ही सही, लेकिन कई बार हम लोगों से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता, जिससे उस मेडिसिन की क्वालिटी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस ना मिलने के कारण खराब हो जाती है। बाय द टाइम हम ये सोच सोच कर खुश होते रहते हैं कि हमारी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट तो अभी काफी दूर है, यानी कि दवा अभी भी अच्छी है, और असल में वो डैमेज हो चुकी रहती है। इसलिए जितना इंपॉर्टेंस हम एक्सपायरी डेट को दवा खरीदते वक्त देते हैं, बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट इन इंस्ट्रक्शंस को समझते वक्त रखना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे घर की अलमारियां साफ करते वक्त हमारे हाथों कुछ मेडिसिन लग जाते हैं, जो कि बहुत पहले हमने कभी तो सर्दी, सरदर्द, बुखार, बदन दर्द, एसिडिटी के लिए खरीद चुकी होती है, और अब उन मेडिसिन के ऊपर से एक्सपायरी डेट मिट चुकी होती है, या फिर एग्जैक्टली एक्सपायरी डेट वाला पार्ट काट के फार्मासिस्ट ने अपने पास रख लिया होता है। ऐसे केस में हमें समझ नहीं आता कि वो दवाई एक्सपायरी डेट के अंदर है या एक्सपायरी डेट के बाहर है। हम सोचते हैं कि दवाई खराब भी हो सकती है तो फेंक देते हैं। ऐसी दवाइयां मत फेंकिए। जनरली पेन किलर, एंटासिड, एंटीपायरेटिक मेडिसिन अगर टेबलेट फॉर्म में हो और कई सालों से अगर वो पड़ी भी रहे तो भी उनकी एफिशिएंसी, जैसे कि मैंने बताया, मिट नहीं जाती। हाँ, कम जरूर होती है लेकिन मिट नहीं जाती है। ये मेडिसिन आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि उनकी पैकेजिंग, जैसे कि अगर टेबलेट फॉर्म में हो तो उनके ब्लिस्टर्स खुले हुए नहीं रहने चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है, कुछ प्रकार के मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनके एक्सपायरी डेट को इग्नोर करना बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। हम उनकी एक्सपायरी इंस्ट्रक्शंस के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट अटैक जैसे इमरजेंसी केस के वक्त एज अ लाइफ सेविंग ड्रग काम में आने वाली नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मेडिसिन जो काफी हद तक पेशेंट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन जैसे सेंसिटिव हार्मोन्स, लिक्विड एंटीबायोटिक और इंजेक्टेबल्स, इन मेडिसिन को एक्सपायर होने के बाद यूज करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी आई ड्रॉप या फिर ईयर ड्रॉप अगर एक्सपायर हो चुकी हो तो स्ट्रिक्टली उन्हें डिस्पोज कर देना चाहिए, और अगर किसी आई ड्रॉप की पैकिंग अगर आपने खोल दी हो तो विद इन वन मंथ वो आई ड्रॉप यूज करके खत्म कर देना बहुत जरूरी है। सील खोलने के बाद एक मंथ से भी ज्यादा पुराना आई ड्रॉप बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, भले ही उसके ऊपर एक्सपायरी डेट एक साल बाद की हो तो भी उसे डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें यूज करने के लिए उनका सील खोल देते हैं तुरंत वो दवाइयां एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के लिए एक्सपोज हो चुकी रहती है। मैं किसी भी तरीके से जानकारी का मिसप्रमोशन होने नहीं दे रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एक्सपायरी डेट क्रॉस हो चुकी मेडिसिन खरीदो और उसे खा लो। मेरा कंक्लूजन ये है कि एक्सपायरी डेट रीच होने के लिए भले ही एक महीना बाकी हो, उस मेडिसिन को यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रेश मेडिसिन के लिए अपने फार्मासिस्ट दोस्त को इंसिस्ट मत कीजिए। हाँ, लेकिन अगर दवा एक्सपायर हो तो फार्मासिस्ट को उसी वक्त वो दिखाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रॉप्स, लिक्विड्स, हार्मोन्स, इन मेडिसिन को एक्सपायर होने के बाद यूज ना कीजिए। और कभी तो सर्दी, सरदर्द, एसिडिटी जैसे छोटी मोटी बीमारियों में अगर आप गलती से कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन खा भी ले तो भी टेंशन ना लीजिए, फिर भी मन की तसल्ली के लिए अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करना ना भूलिए। मेरा एक फेसबुक पेज है जिसे लाइक करके फॉलो करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इन शॉर्ट, दवाई चाहे हाँ तू बजा ले।